चलिए अब अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए हम बात करते हैं हरितालिका तीज के खास नियमों की। पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताइए वो खास नियम क्या है जो आज हरितालिका तीज के मौके पर ज़रूर हमें पालन करना चाहिए। देखिए, अब हमारे दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जानते हैं कर्मकांड जो भी होता है या पूजा उपासना की जो भी विधा होती है उसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूर करना चाहिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं करना चाहिए। तो जैसे आज हरितालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं रखती हैं, लेकिन एक रात व्रत रखने के बाद जीवन भर इस व्रत को रखना पड़ता है। मैंने बता दिया, अगर कभी मान लीजिए आपकी गर्भावस्था है या आप बीमार हैं, आप व्रत करने के योग्य नहीं हैं, और व्रत अगर आपका टूट गया तो फिर आप तीज का व्रत नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको चाहिए कि अपने जीवन साथी को, अपने पति को ये व्रत करने के लिए कहें, और वो अगर इस व्रत को इसी विधा से करेंगे तो आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। घर की कोई और महिला या फिर उस महिला का पति भी इस व्रत को रख सकता है। व्रत करने वाली महिलाओं को क्रोध और वाणी पर संयम रखना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, भूखे पेट रह करके बिना पानी पिए गुस्सा न आए, क्रोध न आए, चिड़चिड़ापन न हो, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तो हो गया इंद्रिय संयम। और व्रत के दौरान घर में क्लेश, मनमुटाव और किसी की निंदा करने से बिल्कुल बचना चाहिए। हरितालिका तीज का व्रत रखने वाली महिलाएं दिन में बिल्कुल एक मिनट भी ना सोएं, आज पूरे दिन एक्टिव रहें, क्योंकि व्रत आप कर रही हैं। व्रत का मतलब होता है उपवास करना नहीं, व्रत का शाब्दिक अर्थ है इंद्रिय संयम। व्रत का शाब्दिक अर्थ क्या है? इंद्रिय संयम। व्रत और उपवास ये दो शब्द हैं। उपवास का मतलब होता है कि आहार का त्याग, और व्रत का मतलब होता है इंद्रियों को संयमित करना। तो उपवास के द्वारा इंद्रियों को शिथिल करने की प्रक्रिया का नाम ही व्रत है। इंद्रियों को शिथिल करने का नाम ही व्रत है। तो व्रत के दूसरे दिन सूर्योदय के बाद माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद ही इस पूजन को पूर्ण माने। जय माँ विंध्यवासिनी।